Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope friends you all are doing well and good and आपकी preparations भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी. So लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. फ्रेंड्स ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल वे में आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ फ्रेंड्स एग्जाम डेट, एग्जाम की पैटर्न, आपको सारा कुछ कंप्लीट डिटेल वे में बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि टोटल जो सीट आने वाला है 7547 सीट्स पे ये वैकेंसी बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाली है. तो हम लोग अभी कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट्स के लिए 5056 सीट रहेगा, फीमेल्स के लिए 2491 रहेगा. तो चलिए इस सीट को हम लोग कैटेगरी वाइज अब देख लेते हैं. मेल कैंडिडेट्स जनरल के लिए 3053 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 542, ओबीसी के लिए 287, एससी के लिए 872, एसटी के लिए 302 सीट्स रहेगा. फीमेल्स के लिए जनरल वालों का 1502, ईडब्ल्यूएस के लिए 268, ओबीसी के लिए 142, आपको एससी के लिए 429 एंड एसटी के लिए 150 सीट रहने वाला है. सो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी की स्पीड को आप लोग जो है बढ़ा लीजिए. चलिए अब मैं आप लोगों को डेट बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है आपके फॉर्म का. फ्रेंड्स ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 30 सितंबर 2023 रहने वाला है. एग्जाम की अगर डेट की बात करूं तो आपका ये पेपर ऑफिशियली अनाउंसमेंट डेट भी कर दिया गया है, एसएससी के एग्जाम कैलेंडर में मेंशन कर दिया गया है कि 14th of November से ये पेपर स्टार्ट होगा एंड 5 दिसंबर 2023 तक आपका ये कंडक्ट करा लिया जाएगा. फॉर्म की अगर फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से 100 रुपीज लिया जाता है, वहीं पे अगर आप ऑल कैटेगरी फीमेल एससी एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो तो आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं. आपका जो एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स रहने वाला है. रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ओबीसी को 3 ईयर्स का एंड एससी एसटी को 5 ईयर्स का. अदर जो आपको रिलैक्सेशन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना. अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का. तो फिर आपने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास कर लिया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई सा भी परसेंटेज है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो. प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे एक और कंपलसरी चीज़ है मेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपके पास 2-व्हीलर या 4-व्हीलर का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो. तो अगर नहीं है तो आपके पास 1 मंथ का इधर टाइम बच रहा है फॉर्म अप्लाई करने से, पहले आप इसको अप्लाई कर दो. अब बारी आती है सिलेक्शन की प्रोसेस की. तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन 4 मेजर स्टेजेस फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका. देन आपका फ्रेंड्स यहाँ पे पीईटी एंड पीएसटी होता है मतलब फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल, देन आपका होता है सिंपल सा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है. तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग ऑनलाइन सीबीटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है. यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का, तो ध्यान पूर्वक आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं. जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, क्वांट के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए एंड कंप्यूटर बेसिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए. ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा.
यहाँ पे आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है। जैसे अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 35% मिनिमम लाए तो आप पास हो सकते हो। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30%, एक सर्विसमैन के लिए 25%, और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो चलो अब हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपका हाइट मेजरमेंट होता है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो जनरल एंड अदर तो मिनिमम आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अदरवाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 सेंटीमीटर का फॉर हिली एरिया कैंडिडेट एसटी एंड एक्स सर्विसमैन। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है, 81-85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होता है जनरल एंड अदर्स के लिए। अदरवाइज 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिली एरिया कैंडिडेट एसटी एंड एक्स सर्विसमैन को। फीमेल्स के लिए हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट 157 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन है हिली एरिया कैंडिडेट एसटी एंड एक्स सर्विसमैन को, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है जिनके की फादर या पेरेंट्स दिल्ली पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं, तो उनको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो ये थोड़ा एज वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दूँ कि अगर आपका एज अप टू 30 इयर्स है तो आप 1600 मीटर का रेस आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप 14 फीट का रहेगा, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का रहेगा। अबव 30 इयर्स एंड 40 इयर्स के बीच में आपका एज है तो 1600 मीटर का रेस 7 मिनट में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप 13 फीट का, हाई जंप 3 फीट 6 इंच का रहेगा। अबव 40 इयर्स अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, लॉन्ग जंप 12 फीट का, हाई जंप 3 फीट 3 इंच का रहेगा। अब बारी आती है फीमेल्स की, तो फीमेल के लिए अप टू 30 इयर्स वालों का आपका 1600 मीटर का रेस 8 मिनट में रहेगा, लॉन्ग जंप 10 फीट का, हाई जंप 3 फीट का रहेगा। बिटवीन 30-40 इयर्स के एज वालों के लिए 1600 मीटर का रेस आपको 9 मिनट में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप 9 फीट का एंड हाई जंप 2 फीट 9 इंच का रहेगा। अगर आपका एज अबव 40 इयर्स है तो 1600 मीटर का रेस आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप 8 फीट का है, हाई जंप 2 फीट 6 इंच का रहेगा। तो फ्रेंड्स ये सब तो मैंने आपको बता दी जो कि बेसिक डिटेल है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉब लोकेशन कहाँ होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस का जॉब है तो दिल्ली एनसीआर में ही आपका ये जॉब लोकेशन रहने वाला है। प्लस में इनिशियल इन हैंड सैलरी तो हर कैंडिडेट जानना चाहता है ताकि तैयारी की स्पीड को ना एक मोटिवेशन के तौर पे एक हवा मिल सके ताकि आप और मेहनत से तैयारी करो। तो फ्रेंड्स आपका जो सैलरी होता है ना इनिशियली 21,700 से स्टार्टिंग होती है, इंक्रीमेंट वगैरह के बाद आपको लास्टली 69,100 की आपको सैलरी दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर की ना कट ऑफ देख लेते हैं, जो आपका 2019-20 में हुआ था आपका पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या गया था कट ऑफ। सबसे पहले मेल्स का देख लेते हैं, जनरल के लिए 79 मार्क्स था, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 76, एक सर्विसमैन के लिए 69 कट ऑफ गया था। फीमेल्स का जनरल के लिए 68, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 52, एक सर्विसमैन के लिए 56 यहाँ पे आपका कट ऑफ गया था। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी आके आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। सो या फ्रेंड्स मिलूंगे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।